मम्मी रोटी नहीं खा रही आपकी वजह से। क्या ये पानी है? अरे नीता 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 ए? आपको एक बात बताऊं, हमारी भाभी कितनी ज्यादा समझदार है बताता हूँ। हाँ जी भाभी, तो जरा हमारे ऑडियंस हमारे व्यूअर को बताओ विद्या कि इन्होंने क्या हरकत करी है। हाँ जी बताइए। क्यों बताऊं? तो तुम्हें पता नहीं? पता हाँ पता है, गोले कतरी। हाँ तो हरकत इन्होंने ये करी है कि रोटी बनाई और घी लगाती है इस डब्बे में से या किसी और घी के डब्बे में से। आज क्या किया भाभी? हाँ, बताओ। ये खत्म हो रहा था डब्बे में। हाँ तो मैंने डोली में से निकाल लिया, दूसरे डब्बे में से निकाल लिया। हाँ, हाँ। तो उसमें वो था गोले का तेल। जमा हुआ सेम सेम। हाँ वो मैंने इसमें डाल लिया। हाँ अब रोटी चुपड़ू तो यू करूँ यार, नारियल के तेल की क्यों आ रही है? हाँ देखना ऐसे। हाँ ये रही दोनों। हाँ यू सूंघनी, नारियल का तेल क्यों बदबू आ रही है? हाँ फिर बाद में ध्यान आओ मतलब घी का डब्बा उठा लिया, नारियल के तेल का उठा लिया। सेम सेम लग रहा है। ये किसका है भाभी? ये प्योर घी है। अच्छा ये घी है, ये नारियल का है? हाँ। तो भाभी नारियल का घी ऐसे खा नहीं सकते? मुझे नहीं पता यार, देखो खुशबू आ रही है नारियल के तेल की, तो बढ़िया लग रहा है भाभी, ये तो खा सकते हैं मेरे ख्याल से। यार एक बार कमेंट में बताना जरा, हमारी समझदार भाभी जी ने नारियल का तेल लगा दिया तो ये रोटी खा सकते हैं? नहीं और क्या, सरसों के तेल। देखो हमारे घर में ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जना कार्टून है, कोई देखो बॉडी लोशन की जगह शैम्पू लगा लेता है, कोई घी की जगह नारियल का तेल लगा देता है, एक से एक फिल्म है ना भाभी। कितने दाम क्यों कर रही है? हाँ ये कैसी बदबू आ रही है? मैं तो नारियल का तेल भी लगा रूम में। क्या बोलने आई थी मम्मी से? क्या बोलने आई थी मम्मी से? हाँ तो आजकल हमारी मम्मी क्या है ना, खाना कम खाती है सुबह, तो जैसे फ्रूट्स खा लिए या एक आध रोटी खा ली मुश्किल से। तो अभी भाभी जी आई थी मम्मी से बात करने रोटियों का पूछने, तो मम्मी से बोलती क्या, कि... क्या मम्मी रोटी खा लो, मेरे से लड़ रहे थे वरना, इन कहते तुम रोटी नहीं देते मम्मी को। तो मैं कब लड़ा तुमसे? नहीं बोल रहे थे मैंने ये कब बोला तुम्हारी वजह से नहीं खाते? अब नहीं, भाभी ने मम्मी से आगे ये कहा कि मम्मी रोटी खा लो, वो यूं कह रहे हैं कि तुम मेरी वजह से रोटी नहीं खाते, मतलब मम्मी भाभी की वजह से मम्मी रोटी नहीं खाती। नहीं नहीं मैंने यूं बोला कि मम्मी तीन चार दिन से नहीं खा रहे थे ना। हाँ तो मैं ये पूछने लगा मैं मम्मी रोटी क्यों नहीं खाती, बात क्या है? बात क्या है? हाँ तो फिर ज्योति बता रही खाती नहीं, उनका पेट खराब रहता है। हाँ मैंने कहा कि जैसे लेट बनाती हो रोटी, एक डेढ़ बजे, उसकी वजह से तो नहीं है ऐसा उनके दिक्कत होती हो गैस की लेट रोटी खाने से? क्योंकि मेरे हिसाब से पहले 12-12 बजे खा लेते थे खाना मम्मी। हाँ तो बस यही बात बोली थी मैं जल्दी बना दू। हो भाभी यार मतलब कुल मिला के बोल दिया कि आपकी वजह से मम्मी रोटी नहीं खा रही, आपकी वजह से। मम्मी देख लो बताओ, और कहीं ना कहीं मुझे भी यही लगता है, मुझे भी लगता है इनकी वजह से रोटी नहीं खा रहे। बताओ घर वाले ऐसा क्या कर रही है कि घर वाले रोटी नहीं खा रहे? ऐसा कुछ नहीं है। ओहो मम्मी आपकी रोटी हमारी लड़ाई करवा रही है। मैं तो नॉर्मली पूछा था, मैंने ऐसी कोई दिक्कत है क्या? कह नहीं है ऐसा कोई दिक्कत। अच्छा आटा रखा था भाई, मैं तो बना देती कोई खाए दो। तो तुम मैं कोई भी बात करूं तुमसे, कुछ भी पूछूं तो गलत क्यों समझते हो? तो आप उस चीज को गलत लेके जाते हो। ज्योति को हमेशा ये रहता है कि मैं ज्योति पे शक करता हूं। हां तुम चिढ़ती क्यों हैं? नहीं शक थोड़ी होता, वो सच ही होता है, चिढ़ती क्यों? एक दिन ऐसे मैंने तेरी कटोरी उठा के देख ली थी तो यूं कह रही ये चेक कर रहे होगे भैया को घी डाल दिए करते ही हो। हाय राम हाय राम, मैं कहां जाऊं डूब के? ऐसी होती है शक की नारी। नहीं शक की तो मुझे बोलती है ना। अच्छा कि मैं शक करता हूँ। वही 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 ऐसा कुछ भी नहीं है यार, करता हूँ कोई मैं शक बता ना। कू करते हो सब देखते हो आप ठीक है भाभी? पता है मैं तो मैं करती नहीं हूँ ऐसा कुछ भी भाभी, मैं नहीं सहता इतना सीरियसली। मैं तो अपना हाथ रख देता गैस पे जला लेता, रख लो लो। मैं तो ना रखूं, मैं जब गलत हुई नहीं क्यों रखूं भाई? हाँ सही बात है भाभी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे मन को पता है मैं नहीं हूँ ऐसी। हाँ सुनो मैं तुम्हारे साथ हूँ पूरा, बस खड़ा मिथ्या के साथ हूँ।
वैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ दिल से। आप कहीं जाओ, मुझे किसी की जरूरत ना है। मैं कह रहा हूँ भाभी मैं हूँ आपके साथ, बस खड़ा मैं भाई के साथ हूँ। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, देखो सब फालतू की बातें हैं। देखो आप लोगों के घरों में भी ऐसी बातें होती होंगी, कुछ ना कुछ होता रहता होगा। हमारे घर में देखो ऐसी चीजें होती हैं कि कोई किसी पर शक कर रहा है, कोई रोटी नहीं खा रहा, कुछ ना कुछ ड्रामे चलते रहते हैं। कोई किसी पर शक नहीं कर रहा, शक मतलब नॉर्मल है ऐसी, लेकिन तुम्हारा भाई मजे में रहता है, मस्त खाता पीता, भाड़ में जाओ सब मस्त, औरों की तिल्ली लगाता रहता है। औरों की तिल्ली बीच में, उसमें ही तो मजा है। यार ठंड लग रही है, एक काम करो कपड़े पहन के आओ, चलो बाय। और आज भाभी जी बना रही हैं रोटी, और क्या है भाभी? मेरा मुंह। और है कढ़ी और चावल। दिमाग खराब मत करो, दोनों के दोनों जाओ यहाँ से। भाभी बात बताओगी सच, बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ। हैं? इधर देखो कैमरे में। रैंडम में पूछ ही नहीं रहा, मैं बता ही ना रही, शक्ल भी नहीं है पूछने वाली। है इंस्टाग्राम की रील बनाओ, चलो वो वायरल क्या रील होगी, तुम तो स्टाइल में आगे बोलो जी तो मेरा ऐसा करे तन छाती के लालू जले। आपकी एक्टिंग करूं? जो रील वायरल हुई थी ना भाभी की, उस पे 35 मिलियन व्यूज गए थे, उसकी एक्टिंग करके दिखाता हूँ, चलो गाओ। जी तो मेरा ऐसा करे छाती के लालू जले, तू छाती के लाले रही ऐसे करती है बिल्कुल। रोटी खा लो चुपचाप, कड़ी गरम कर लो। आप जलते हो मेरे से, जलते हो, रोटी जल गई। जैसे उसमें वेलकम मूवी में मजनू जलता है ना, मजनू ऐसे जलते हो आप मुझसे। मैं क्यों जलूंगी आपसे? है? आपके मुंह को दो रोटी खराब कर दी, अब ये और फेंक दो, चले जाओ यहाँ से ना, फोन मारूंगी। इसे बोलते हैं बेलन, और बेलन जब कमर में पड़ता है तो देखो आवाज कैसी आती है, ऐसी उत्तरी भाभी लग जाएगी। इधर को पागल हो गई, पागल हो गई। भाई मैंने पिज्जा ऑर्डर करा था भाभी जी के लिए, ये भाई आए। क्या हाल चाल? थैंक यू सर, बहुत बड़ा फैन बिगेस्ट। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। और सब बढ़िया? बहुत ही फैंटास्टिक, आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई है सर जी। थैंक यू भाई, थैंक यू। ऐसा अक्सर होता है जैसे कोई मतलब कोई आया सामान देने तो बहुत मतलब ऑलमोस्ट सारे भाई पहचान लेते हैं। सर जी प्लीज एक थैंकी देंगे ना? हाँ बिल्कुल। अरे भाई कैसी बात कर दी, आ जाओ ये रख दो, रख दो। चिली फ्लैक लेंगे? अरे कोई जितना है बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे यहीं रख दो। अरे सही ध्यान रखो अपना। ये लो पिज्जा। ये क्या है? क्या है? मैंने सुन तो लो, वो अभी आया डिलीवरी वाला भाभी। हाँ। वो भाई मिल के खुश हो गया, कह रहा अरे विनय भाई ये ओ, मैं चलो बढ़िया। चलो बढ़िया, ये किसके लिए है? आपने तो मंगाया है? मैंने नहीं मंगाया। ओह कितना झूठ बोल रही है, व्लॉग बना रहा हूँ तो कितना झूठ बोल रही है। भाई तूने मंगाया था। कैसे? मैंने नहीं मंगाया भाई। कैसे ये खो रहे हैं दोनों? अब खोल लो, चलो जल्दी खाओ, बढ़िया लगता है गरम गरम। अरे खा तो मैं लूंगी एक स्लाइस, लेकिन मैंने मंगाया नहीं। चलो खा जाओ, कसम किसने मंगवाया और किसके फोन से ऑर्डर हुआ है और किसने पेमेंट करी है? बाऊ। हाँ। ये मम्मी से बचने के लिए झूठ बोल रही है। मैं खाऊंगी छोटी वाली। और ना मैंने मम्मी को दिखाई वीडियो आज, ये दिखा देना, मैं एक ही खाऊंगी, मम्मी कुछ ना कहे छोटी वाली। व्लॉग में थोड़ी ना एक खाओगे, मैं तो बताऊंगा सारा खाया था। मैं तो खाऊंगी एक ही खाई। चलो खा के बताओ कैसा है। नाम 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 आ गया स्वाद। भाई वैसे पिज्जा तो बड़ा स्वाद है। हाँ जी भाई लोग गुड मॉर्निंग, आज है अगला दिन और भाभी पे मैं अभी एक छोटा सा प्रैंक करने वाला हूँ, देखो। ये लो भाभी पी लो। क्या है? पानी है। क्यों लाए? अरे आप इतना काम वाम करते हो, थक गए होगे तो मैंने सोचा पानी दे दो। पानी लाते हो? पी लो एक घूंट पी लो। नहीं मैंने नहीं पीना, कुछ गोल गाल के ले आए हो। नहीं कुछ नहीं बोला है, पी लो एक घूंट। मैं नहीं पी रही सॉरी। एक घूंट रुकना, पी लो। बाबू देखना है क्या घोल के लाए हैं। कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला भाई, मुझे बेहोश वोश करने की वो धरा है। अरे मैं ना पीऊं? एक घूंट पी लो। नो नो नो, एक घूंट पी लो मैं बोल रहा हूँ ना। है पानी पिलाया। एक घूंट पी लो। कहाँ से लाए हो भर के? कैसा लग रहा है? कहीं से भर भर के लाए हो क्या? अरे नहीं नॉर्मल पानी है। मैंने कहा यार आप भाभी इतना काम करते हो, थूक क्या रही हो, पागल हो क्या? आए हाय छी।
अरे सुनो भाभी, एक घूट पी लो बस। एक घूट पी लो। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? जी 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 जी। अरे हुआ क्या? पोर्ट का पानी पिला है। पोर्ट का पानी? पिलाया ना, मेरे पति ने बता दिया। यार हम तो क्यों बताया तुमने पोर्ट का पानी है? अबे यार। अरे से उसे पूछ रहे थे। कुल्ला कर रहे हो क्या? दूर हो जाओ। बहुत गर्म पानी आ रहा है। अरे पोर्ट का पानी नहीं था भाभी, वो सीवर का लेके आया था मैं। वो पानी पोर्ट का था सच में। सुनो अमित भैया ने कहा था कि पोर्ट का पानी ले जा और पिला दे ज्योति को। सच में भाभी जी, क्या पागल हो क्या भैया? आपको आप, आपको वैसी स्मेल आ रही थी अजीब सी। अरे नीता नीता नीता, अरे नीता, अरे पानी था एक्वागार्ड का। अरे एक्वागार्ड का पानी है, एक्वागार्ड का, सच में। अरे सुनो तुम्हारी कसम, मैं मजाक कर रहा था इशारे से, जस्ट बोला मैंने। चलो कोई नॉर्मल पानी, एक वगाड़ का। तो मुंह पे गेर दूंगी आपके पे। तो कैसा लगा आपको ये प्रैंक? तो ये हो गया भाभी जी के साथ प्रैंक। अभी ना ये वाली वीडियो इनके फोन में ट्रांसफर करके इन्हें दिखाता हूँ, ठीक है? एक सेकंड रुको भाभी, दिखाता हूँ। अरे रुक तो जाओ। भाभी को दिखा रहा हूँ मैं ओरिजिनल वीडियो, ये लो। अब देखो कहाँ से लाया था पानी। वहम कर लेते हो, इतना उल्टी आ रही है। ये देखो, ये ले गया आया एक्वागार्ड में से भर के। कुछ नहीं पता आपको, बाथरूम में मुड़ जाओ। ये रहा लो, आ गया सीधा आपके पास। है नहीं एक्वागार्ड का, बताओ। खामा खाम जी क्यों खराब कर रहे हो? एक्वागार्ड का है। कुछ और लाऊं? नहीं। अरे सतमौला लियूं? कुछ खाओगे? नहीं। उल्टी आ रही है क्या तुम्हें? आ रही है। अरे जी खराब मत करो, कुछ लेके आता हूँ, रुको मैं चटपटा। ओहो कह रहे हो कुछ और खुशखबरी तो नहीं दे रही? इन्हें काला नमक चटाओ। इसलिए प्रैंक करने से भी डरता हूँ मैं। हाँ काला नमक चटा दो थोड़ा सा हाथ पे। अरे नमक चाट लो काला, वाह वाह मत करो, नमक चाट लो थोड़ा सा, जी अच्छा हो जाएगा। ओले ओले, अमित भैया का बाबू, अमित भैया का बच्चा। बस अब जाओ बाहर घुमाओ थोड़ा सा बालकनी में। आओ संतरा खिलाओ। नहीं मुझे नहीं खाना। देखो इसलिए हम थोड़ा सा भाभी पे प्रैंक करने से अवॉइड करते हैं, तो वो छोटे से प्रैंक में। और वीडियो दिखा दी ओरिजिनल कि पानी ही भर के लाए हैं एक्वागार्ड से, एक्वागार्ड से, आई मीन। देखो डराने वराने वाला प्रैंक कर दिया ना तो हार्ट अटैक से मर जाए। सही में यार, इन्हें तो डरा भी नहीं सकते। भाभी आपको आपको शक कैसे हुआ था? क्या लेके आओ पानी में, क्या मिला है इसमें? ऐसे मारो हटाओ हाथ। पेट में घूसा मारा मेरा बालक मार दिया, इतनी तेज घूसा मारा पेट में, मेरा बालक मार दिया यार। शर्म नहीं आती आपको? हाँ डर भी है मेरा पूरा। चलो खाना वाना खा ले, चलो खाना खा लो, खाना खिला दो, खाना खिला दो, दिमाग मत खाओ मेरा। खाना कब का बना रखा है, खा नहीं सकते? नहीं दे दो तोड़ तोड़ के। लो पानी पी लो ये वाला। अच्छा ज्योति अच्छा अब तो पी लो, अब तो मैं नहीं पीऊंगी। क्यों? देख ये होता है, दिखाओ मैं पी के दिखाऊं। मैं ना। अरे अब क्या प्रॉब्लम है? मैं पी के दिखाए विनय है, कोई मत पियो। अरे ना अब क्या प्रॉब्लम है, अब क्या दिक्कत है? अबे यार देख ऐसी होती है लड़कियां। हां भाई मतलब वीडियो दिखा दे तब भी एक बार मन में डाल दो बस तुम इनके एक चीज। वहम वहम हाई। आप ज्यादा साइड मत लिया करो। किसकी? भैया की। तो मैं साइड कर लूंगा, मैं तो उसी की साइड हूँ। और क्या साइड नहीं लेंगे, मेरी ही तरफ है। बदतमीजी नहीं चलेगी यहाँ। हाँ बनाओ सही। ओए बाल छोड़ दो, बाल पहले ही कम है। हेलो बाल छोड़ दो मेरे भाई के, फालतू में आ गई समझ में। अरे अरे मेरे नहीं पकड़ने, अरे अमित भैया को छोड़ा है, मेरे क्यों पकड़ लिए? पकड़ने इसको खाड़ लो। अमित भैया आज कह दो बजा दे है? हाँ नहीं, नहीं।, नहीं मतलब कमर में घूसे पीछे बोर्ड से मत लग जाना, आराम से। हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, ए हाथ आगे करो, धीरे से मारूंगा और चम्मच पकड़। अरे देख भाभी लग जाएगी, लग जाएगी, लग जाएगी। कटोरा ही मारूंगा मैं, दो चम्मच हल्के से मारूंगा पक्का, ठीक है? ए लगा लगे
लग जाएगी फेंक के, नहीं फेंक के बहुत तेज लग जाएगी फेंक भाई फेंक के मारी है चम्मच। अब देखो लगी भी नहीं लगी नहीं, कंघा बहुत तेज लगता है भाभी, कंघा बहुत तेज। और इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? राम राम जी।